हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे सीसी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे चैनल पर बिहार दरोगा का सेट चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप इस सेट को आराम से मारिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपको कितना नंबर आता है। तो चलिए, आज का क्वेश्चंस क्या है, आज के सेशन में क्या है, ध्यान दीजिए। पहला क्या कह रहा है, पंचगंगा एवं दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है कृष्णा की। ये किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा, ये कृष्णा की सहायक नदी कृष्णा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि घाट प्रभा और माल प्रभा किसकी सहायक नदी है? तो ये भी आपके किसकी है दोस्तों, बताइए। या क्या वो कृष्णा है, या गोदावरी है, चंबल है, या फिर वो गंगा है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा इसका सही आंसर है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। कृष्णा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, मल्लिका अर्जुन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये आपको बताना है कि कौन आया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ह्वेन सांग, ये ह्वेन सांग लिखा हुआ फ्रेंड्स, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इसे, ठीक है, ह्वेन सांग है। फिर उसके बाद महू आन है, फिर इत्सिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, महू आन। तो मल्लिका अर्जुन के समय में कौन आया था, महू आन आया था। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका कह रहा संगम वंश का अंतिम शासक बता दीजिए कौन था? तो संगम वंश का अंतिम शासक बताइए, क्या वो वीरूपाक्ष द्वितीय, या फिर कृष्णदेव राय, या फिर राजेंद्र प्रथम, या फिर देवराज द्वितीय? तो बताइए कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, देवराज द्वितीय, ठीक है। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, देवराज द्वितीय, ठीक है। तो इसे आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नासिक के समीप त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से, या फिर मानसरोवर झील से, या फिर हिमालय से, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक के समीप त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से। तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि गोदावरी नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? तो बताइए गोदावरी नदी कहाँ से कहाँ गिरती है फ्रेंड्स? तो ये आपका गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गोदावरी नदी कहाँ जाकर गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये देखिए, निकोलो कोंटी भारत में किसके शासन काल में आया था? निकोलो कोंटी के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स कि किसके पीरियड में ये आया था। तो देवराज द्वितीय है, या फिर देवराज प्रथम है, कृष्णदेव राय है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देवराय प्रथम, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देवराय प्रथम, देवराज नहीं है फ्रेंड्स, देवराय है, ठीक है, देवराय प्रथम। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा, निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर कब आया था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1420। कौन सा हो जाएगा, 1420 में निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बताइए, क्या वो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, या ब्रह्मपुत्र है? तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। तो वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर आते हैं। 10 नंबर में क्या है, वैन गंगा एवं पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैन गंगा और पैन गंगा जो सहायक नदी है, बताइए। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है, ये आपका गोदावरी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। तो इसे भी आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर में क्या बोल रहा है कि दो समुद्रों का अधिपति किसे कहा गया है? क्या वो हरिहर प्रथम है, हरिहर द्वितीय है, कृष्णदेव राय है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
दो समुद्रों का अधिपति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर प्रथम को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुक्का प्रथम ने चीन में अपना एक दूत मंडल कब भेजा? बताइए, या ए ऑप्शन होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1374 ईस्वी। ठीक है, 1374 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, तीन समुद्रों का अधिपति किसे कहा गया है? तो तीन समुद्रों का अधिपति बताइए किसे कहा गया है? आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका सही आंसर? तीन समुद्रों का अधिपति बताना है आपको। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बुक्का प्रथम। ठीक है, यानी बी नंबर। ठीक है, तो बुक्का प्रथम इसका सही आंसर है, तीन समुद्रों का अधिपति। नेक्स्ट बताना है फ्रेंड्स, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो बताइए इंद्रावती किसकी सहायक नदी? इंद्रावती कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? गोदावरी इसका सही आंसर है। इंद्रावती की सहायक नदी कौन है? गोदावरी। नेक्स्ट, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपको बताना है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये तो बहुत फेमस है फ्रेंड, इसका फर्स्ट हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, कह रहा है हरिहर द्वितीय अपनी विद्वता एवं विद्वानों को संरक्षण देने के कारण क्या कहलाया? फर्स्ट आपका ऑप्शन है राज व्यास, या राज वाल्मीकि, या फिर महान सम्राट, या फिर विश्वस्वामी। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, राज व्यास या राज वाल्मीकि। नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? तो बताइए श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो आप। तो बताइए कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देवराय प्रथम, यानी फर्स्ट नंबर। ठीक है, देवराय प्रथम इसका सही आंसर है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? तो देवराय प्रथम। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। कह रहा कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बताइए कावेरी नदी कहाँ गिरती है? क्या वो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, या फिर गंगा मिल जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिर जाती है। नेक्स्ट आगे आते हैं, 19 नंबर पर आते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है। तो दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? ध्यान लगाइए, इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कावेरी, यानी दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा बोले तो कावेरी, लेकिन दक्षिण की गंगा बोलेगा तो तब गोदावरी हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। कह रहा श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कावेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कावेरी यानी बी नंबर इसका सही आंसर है, बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हो चुका है। तो ये मैं जितना भी 20 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये स्पेशल दरोगा के लिए है। तो आप यहाँ से जांच कर सकते हो कि आपका कितना नंबर आया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आज का सेशन अगर आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे लोगों को लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।